वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास नाइन्थ के फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसमें भी हम लोग पढ़ने वाले थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसके हम लोग एक प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, दैट इज डिफ्यूजन। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे सेकेंड टॉपिक के बारे में, दैट इज ऑस्मोसिस। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और चैनल पे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन देयर इज एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो वहां पे सब्सटेंसेस भी एक्सचेंज हो रहे थे। तो हमने वहां पर देखा था कि दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। हम लोग बात कर रहे थे पैसिव की, क्योंकि वो एक स्लो प्रोसेस थी और उसमें हमारे पास दो प्रोसेसेस हो रही थी, एक का नाम डिफ्यूजन था और एक का नाम ऑस्मोसिस था। डिफ्यूजन क्या होती है? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाना। आज हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। तो सबसे पहले जब हम ऑस्मोसिस को स्टार्ट करते हैं, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक बेसिक पढ़ना है। ये बेसिक शायद बहुत बच्चों को आता भी होगा, पर कईयों को नहीं आता होगा। तो सबको साथ चलाने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक से। पहला जो ऑस्मोसिस का समझने की प्रोसेस है, उसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सोल्यूशन की। सोल्यूशन क्या होता है? इसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल से, एक्टिविटीज से, आपकी डेली लाइफ की बातों से सीखेंगे, जिससे वो चीजें आपको कभी भी भूलने नहीं। तो क्या किया हमने? हमने ले लिया एक ग्लास। ग्लास के अंदर मैंने लिया पानी और मैंने ले लिया चीनी। शिकंजी बनाते हैं हमारे पास, तो क्या होता है? हम लोग एक ग्लास में हमने ले लिया वाटर प्लस में हमने ले लिया शुगर, ठीक है। तो हमने ये दो पार्टिकल्स ले लिए, और अब क्या किया मैंने, शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो आफ्टर सम टाइम वो डिजोल्व हो जाएंगे। अब वो जो डिजोल्व होकर मिक्सचर आया है, दैट मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को जब हम मिक्स कर देते हैं, तो उसके बाद जो चीज आती है वो हमारे पास आ जाती है सॉल्यूशन। सोल्यूशन के अंदर भी क्या कहते हैं हम लोग, हमने दो चीजों को मिक्स किया, शुगर एंड वाटर। इसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं? दो चीजें होते हैं सोल्यूशन के अंदर। पहले का नाम होता है हमारे पास सोल्यूट, एंड सेकेंड वन इज सोलवेंट, ठीक है। दो चीजें होती है इसके अंदर भी, फर्स्ट वन इज सोल्यूट एंड सेकेंड वन इज सोलवेंट। पहली बात आई सोल्यूशन जो है वो क्या है, मिक्सचर है टू सब्सटेंसेस का। लाइक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं वाटर एंड शुगर। उसके बाद क्या आया हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर, फर्दर दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक को नाम देते हैं सॉल्यूट और दूसरे को नाम देते हैं सॉल्वेंट। अब बात आती है भाई ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। देखिए लाइक केमिस्ट्री में जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हमारे पास ये सारी चीजें आती है। पर अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले ये छोटी बात, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है। तो बोला सोल्यूट क्या है, जो चीज डिजोल्व हो रही है, ठीक है। लाइक वाटर शुगर में मैंने डाली और मैंने शुगर को डिजोल्व किया। तो इसके अंदर कोई बोले कि ये शुगर सिरप है, इस सिरप के अंदर बताइए कि कौन सी चीज सोल्यूट है और कौन सी चीज सोलवेंट है। तो क्या बताया जाएगा, इसके अंदर जो सोल्यूट है वो आपके पास क्या है, शुगर है। कैसे अगर मैं बात करूं तो सोल्यूट आपके पास वो चीज होती है विच इज डिजोल्व, जो डिजोल्व होती है, ठीक है। जो डिजोल्व होगी उसको हम कहेंगे सोल्यूट, और जो चीज हम जिसके अंदर डिजोल्व करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर डिजोल्व करेंगे लाइक वॉटर। वॉटर क्या है मेरे पास, सोलवेंट है, ठीक है। क्या बोला हमारे पास, सबसे पहली बात आपको ये सोल्यूट और सोलवेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए। सोल्यूट का मतलब क्या हुआ, जो चीज हम डिजोल्व कर रहे हैं, और सोलवेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो चीज के अंदर कर रहे हैं। लाइक वॉटर के अंदर हम लोग शुगर डाल रहे थे, तो वॉटर यहाँ पर क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक आपने कभी सुना होगा, कई लोग कहते हैं भैया दूध में पानी मिलाकर आए हो या पानी में दूध मिलाकर आए हो। कई बार दूध इतना पतला हो जाता है कि वो लोग क्या कर लेते हैं, इतना ज्यादा पानी डाल लेते हैं दूध में। अभी नॉर्मली क्या है, हम लोग दूध लेकर आए, उसमें थोड़ा सा पानी है, तो पानी उसने थोड़ा सा डाला, जो थोड़ा सा उसने डाला दूध के अंदर और पानी डिजोल्व हो गया, तो वहां पे जो पानी था वो किसका काम कर रहा था, सोल्यूट का। और दूध किसका काम,
काम कर रहा था सॉल्वेंट का, पर जो हमारे पास दूध देने वाले भैया आते हैं वेंडर्स वगैरह, वो कई बार क्या करते हैं, इतने अजीब होते हैं वो लोग क्या करते हैं, पानी ले लेते हैं बहुत सारा और उसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं और कहते हैं कि हम दूध देने आए हैं। मतलब लिटरली क्या है वो पता नहीं, बट ऐसा ही हो रहा है आज के कई एरियाज में। तो क्या होता है वहां पे, तो उस टाइम पे पानी के अंदर उन्होंने दूध को डिसॉल्व कराया। तो पानी क्या है, पानी इज अ सॉल्यूट, उस टाइम पे पानी सॉल्यूट हो गया और किसके अंदर, नहीं उस टाइम पे हमारा जो दूध है वो सॉल्यूट हो गया और सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी हो गया। तो जो वेंडर्स जो बाइक पे जो ऐसे नॉर्मली दूध लेकर आते हैं उनके अंदर ऐसा ही तरह का सॉल्यूशन होता है, पर हमें एक अच्छा दूध लेना होता है क्योंकि आपके लिए दूध जो है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो पहली चीज आ गई जो चीज हमें समझनी थी, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट का मतलब जो चीज डिसॉल्व हो रही है, सॉल्वेंट का मतलब जिसमें डिसॉल्व हो रही है, ठीक है। तो शुगर और वाटर वाले से याद करना है, शुगर इज अ सोल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। अब हम पढ़ते हैं हमारे ऑस्मोसिस में से। ऑस्मोसिस को पढ़ने से पहले हम लोग तीन चीजें पढ़ते हैं। ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, ऑस्मोसिस सेम वही प्रोसेस है लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लाइक डिफ्यूजन, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट किसका, वाटर का सिर्फ, ठीक है, लिक्विड का जैसे बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग पहले उससे पहले एक चीज पढ़ने वाले हैं ऑस्मोसिस के अंदर ही, हाइपरटोनिक। तीन अलग अलग सॉल्यूशन बना दिया हमने, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तीन तरह के सॉल्यूशन बना दिया हमने, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड द आइसोटोनिक। अब क्या क्या होता है इसके अंदर वो हमने सीखना है। तो सबसे पहली बात, हाइपर, हाइपर का मतलब होता है जैसे कई बार किसी को बहुत टेंशन होने लग जाती है या कई बार कोई बात होती है तो उसको कहते हैं हाइपर मत हो यार, हाइपर मत हो, टेंशन मत ले। मतलब वो क्या होता है, अपने बीपी को हाई कर लेता है, तो हम कहते हैं वो हाइपर हो रहा है। तो हाइपर का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर सोल्यूट ज्यादा होगा किससे, सोलवेंट से, ठीक है। सोल्यूट ज्यादा होगा जिसमें सोलवेंट से। हाइपो का मतलब क्या होगा, जिसमें सोल्यूट आपका कम होगा किससे, सोलवेंट से, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, तो मतलब सोल्यूट जो है वो सोलवेंट के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक बात। क्या पढ़े हमने, तीन चीजें पढ़ ली, हाइपर, हाइपो, आइसो। हाइपर का मतलब यहाँ पे होगा जब सोल्यूट आपका सोलवेंट से ज्यादा हो जाएगा। हाइपो का मतलब क्या होगा, जब सोल्यूट कम होगा सोलवेंट से। आइसो का मतलब क्या हो जाएगा, जब सोल्यूट सोलवेंट के इक्वल हो जाएगा। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करनी है, ये काम आप लोगों का है। तो यू जस्ट टेक आउट द एक्टिविटी इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दो ग्लास लेने हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास। क्या करना है, एक में तो वाटर डालना है, ठीक है, और एक में वाटर डालना है, प्लस में हमारे पास एक शक्कर आता है, ठीक है, मीठा सा सब्सटेंस होता है जो गुड़ को, बिल्कुल गुड़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको हम बोल सकते हैं, वो हमने एक में ले लेना, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों के दोनों में हमने रेजिन्स डालनी है, मतलब किशमिश डाल देनी है, ठीक है। क्या करना है, हम लोगों ने एक बीकर लेना है, दो बीकर ले लिए, ग्लास ले लिए, और इनके अंदर क्या किया, वाटर प्लस शक्कर, वाटर, एक में वाटर ले लीजिए, एक में हमने वाटर प्लस शक्कर ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों के अंदर हमने डाले रेजिन्स, रेजिन्स मतलब किशमिश, खाना मत बीच में से, पहले सिर्फ करके देखना, ठीक है। दोनों में हमने क्या कर दिया, रेजिन्स डाल दिया। अब हमने क्या किया, इसको रख दिया। थोड़े टाइम बाद हम क्या देखेंगे कि क्या होगा, एक चीज में, एक बीकर में तो रेजिन्स फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी, और एक में क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, ठीक है। क्या होगा, एक में तो आपके पास किशमिश जो है वो मोटी हो जाएगी और एक में किशमिश आपके पास क्या हो जाएगी, बिल्कुल पिचक जाएगी। इस तरह से हमारे पास ऐसी किशमिश बिल्कुल पिचक जाएगी, बिल्कुल पिचक जाएगी, और हमारे पास एक में क्या हो जाएगी, ऐसे फूल जाएगी, ठीक है। अब बताइए ऐसा क्या हुआ, किस वजह से जो है एक आपकी किशमिश, एक आपकी रेजिन्स पिचक गई और एक रेजिन्स फूल गई। तो इसका रीजन देखो क्या था, इसका रीजन ये था हमारे पास, जब हम इसके अंदर
पढ़ रहे थे और इसके अंदर पढ़ रहे थे। यहाँ पे मेरे पास वाटर था, ठीक है। अगर मेरे पास क्या हुआ, पानी का हमने पढ़ रखा है ओस्मोसिस, डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्टेशन, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाता है। तो यहाँ पे क्या था, सोलवेंट का अमाउंट मतलब पानी का अमाउंट जो है वो ज्यादा था। जिसमें पानी का अमाउंट ज्यादा था उसमें क्या हुआ, पानी जो है वो हायर कंसेंट्रेशन से कहाँ चला गया, लोअर कंसेंट्रेशन में, मतलब हमारी किशमिश के अंदर। जब किशमिश के अंदर गया तो किशमिश फूल गई, है ना। किशमिश के अंदर गया तो आपके घर अंदर अगर रोटी डालते रहे, पानी डालते रहे, बहुत सारा आप पानी पी लेते तो कहते अरे पेट फूल गया हमारा। तो ऐसा ही सेम कहानी कहाँ हुई, इसके अंदर हो गई। इसके अंदर सोलवेंट मतलब पानी ज्यादा था तो पानी जो है वो किसके अंदर चला गया, रेजिंस के अंदर चला गया, मतलब कि स्मॉल कंसेंट्रेशन, हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर में चला गया। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर पहले ही सोलवेंट मतलब पानी जो है वो पहले ही कम था। तो क्या हुआ, इसका जो पानी था यहाँ क्या थी, हाइयर कंसेंट्रेशन, हाइयर कंसेंट्रेशन से कहाँ चला गया पानी, लोअर कंसेंट्रेशन में। हाइयर कंसेंट्रेशन से कहाँ चला गया पानी, लोअर में। यहाँ पानी पानी था ही, किशमिश का सारा पानी कहाँ चला गया, लोअर कंसेंट्रेशन में। तो ये चीज जो है वो बिल्कुल ही पिचक गई। तो यहीं से हमें पता चलेगा क्या, कि हमारा जो सेल है, ठीक है, हमारा ये सेल है हमने माना, तो अगर सेल का ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, तो अब क्या बोला कि जो प्रोसेस हो रही है, जो भी लिक्विड सब्सटेंस है, जो भी वाटरी सब्सटेंस है, वो कहां से, सोल्यूट अगर ज्यादा है किससे, सोलवेंट से, मतलब सेल के अंदर का कोई भी चीज, ठीक है, माना सेल के अंदर अभी ज्यादा है O2, ठीक है, O2 ज्यादा है, मतलब हमारे पास O2 इसके अंदर डिसोल्व हुई है, O2 मतलब मैंने मान लिया सोल्यूट, ठीक है। अगर मेरा सोल्यूट सोलवेंट से ज्यादा है तो सारी ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे चली जाएगी, सेल के अंदर। इस तरह से ले लो, ये लिया, यहाँ पे O2 है, ठीक है, O2 को इसमें जाना है, O2 क्या है, सोल्यूट, इसके अंदर का सामान जिसके अंदर ये डिसोल्व होगी वो सब क्या है, सोलवेंट। पहली बात तो इतना समझो, ठीक है। O2 या कोई भी गैस, अभी मैं O2 का एग्जांपल ले रही हूँ, किसी भी चीज का ले सकते हैं, कोई भी वाटरी सब्सटेंस ले लो, लिक्विड है, यहाँ पे ब्लड है, प्लाज्मा है, कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, वो क्या है, सोल्यूट, जिसको डिसोल्व होना है। सेल के अंदर वाला जो भी लिक्विड सब्सटेंस है वो क्या है, सोलवेंट। अब क्या है, अगर सोल्यूट ज्यादा होगा सोलवेंट से तो चीज कहां से, हाइयर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में चल जाएगी। अगर ये सोल्यूट कम होगा तो इसकी चीजें बाहर आ जाएगी। अगर ये काम कब तक होगा, जब तक आइसो कंडीशन नहीं आ जाती, मतलब सोल्यूट, इस कंडीशन का नाम होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या बोलते थे इसको, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ये वाली चीज इस वाली चीज के इक्वल कब होगी। तो जब तक सोल्यूट सोलवेंट के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक या तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन बनेगा या हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट हमने किसके बारे में पढ़ा, सोल्यूशन के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे ओस्मोसिस, जो हमारी मेन प्रोसेस है, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक। अगर आपके पास आता है कि ये सोल्यूशन क्या होते हैं, तो आपने याद करना है, हाइपर में हमारे पास सोल्यूट की वैल्यू ज्यादा होती है सोलवेंट से, इसी वजह से वो कहां जाएगा, हायर कंसेंट्रेशन तो टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब क्या होता है ओस्मोसिस क्या, अगर आपसे कोई बात करे तो ओस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाने वाले एक मूवमेंट को क्या नाम दे देते हैं, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में सेल जो है कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। मैंने किशमिश मोटी हुई पतली हुई मैंने कुछ नहीं किया था, हम लोगों ने तो बस रख दिया था और थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व किया था कि हुआ क्या है। सेम कहानी यहाँ पर होगी, नो एनर्जी इज नीडेड, कोई भी एनर्जी इसमें नीड नहीं होती है भाई, किसी भी एनर्जी की हमें जरूरत नहीं होती है। फिर अगली चीज क्या आती है हमारे पास, इसमें हम लोग कह रहे हैं कि श्रिंक हो जाएगा लिविंग प्लांट सेल। तो दो तरह की, पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि ओस्मोसिस भी दो तरह की होती है, एक को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस, एक को बोलते हैं
जाते हैं एक्सोस्मोसिस, ठीक है, एंडोस्मोसिस, और दूसरे का नाम क्या हो जाता है एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, और दूसरे का नाम क्या होगा एक्सोस्मोसिस। नाम से आपको कुछ पता चल रहा है क्या? एंडो मतलब ईएन, एंट्री, ऐसे नाम याद कर लेते हैं, ईएक्स मतलब एग्जिट। किसका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वाटर। तो मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, सेल के अंदर अगर पानी आ रहा है, सेल के अंदर पानी कब आएगा? जब सॉल्यूशन क्या होगा? हाइपोटोनिक होगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर आ गया था ना हमारे पास, तो वो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, इनटू द सेल, कुछ भी आप कहिए, सेल के अंदर अगर पानी आ रहा है तो उसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस, सेल से अगर पानी बाहर जा रहा है आउट ऑफ द सेल तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, सेल से अगर बाहर जा रहा है तो उसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, ठीक है। दो तरह के ऑस्मोसिस होते हैं, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, एक्सोस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल, सेल से अगर मूवमेंट ऑफ वाटर बाहर हो रहा है तो एग्जिट हो रहा है पानी, तो उसको नाम दे दिया एक्सोस्मोसिस, है ना। एक्सो कब होगा? कब हमारे पास सेल पे चिपक जाएगी? जब हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसमें याद एक नाम और आ जाता है हमारे पास, जो हमारे लिविंग, ठीक है, श्रिंक हो रहे हैं लिविंग सेल, श्रिंकिंग ऑफ लिविंग सेल, लिविंग सेल जो है वो हमारे श्रिंक हो जाते हैं, है ना। अभी हमने पढ़ा क्योंकि बाहर जाएगा वाटर आउट ऑफ द सेल हो जाएगा, किस प्रोसेस की वजह से? ड्यू टू, अब पानी अंदर आ गया, पानी अंदर आया तो इसका मतलब क्या होगा? फूल जाएगी। बाहर जाएगा मतलब, तो इसको हम लोग प्रोसेस का नाम रख देते हैं प्लाज्मोलिसिस, ठीक है, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब है वो जो हमारी लिविंग सेल है उसका श्रिंक होना, श्रिंकिंग ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। क्या नाम दे देते हैं उसको हम लोग? प्लाज्मोलिसिस। तो बेसिकली ऑस्मोसिस है क्या? ऑस्मोसिस का मतलब है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन इनटू द सेल या आउट ऑफ द सेल। सेल दो तरह के ऑस्मोसिस है, एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस। एंडो का मतलब एंट्री होगी, एक्सो का मतलब एग्जिट होगी। और ऑस्मोसिस के समझने के लिए तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, और तीन तरह के सॉल्यूशन आपको तभी समझ आएंगे जब आप एक एक्टिविटी को खुद घर पे परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।